मतगणना में गड़बड़ी का अंदेशा मिलते ही समाजवादी पार्टी के सिपाहियों ने अपना चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। अभी तक तो प्रशासन के लोग इनकी गाड़ियों को चेक कर रहे थे, अब समाजवादी पार्टी के नेता प्रशासन की गाड़ियों को चेक करते दिखाई दिए। यह जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यह तस्वीरें मतगणना स्थल के पास की हैं, लेकिन तस्वीरों में कुछ अनोखा दिखाई दे रहा है। जो प्रशासनिक लोग इन नेताओं और आम लोगों की गाड़ियों को चेक करते थे, समाजवादी पार्टी के सिपाही उनकी गाड़ियों को चेक करते दिखाई दे रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में मतगणना को लेकर ईवीएम धांधली की आशंका जाहिर की गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से भी अपने सभी नेता पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए किसी भी स्थिति में ईवीएम की सुरक्षा के लिए कहा गया था, जिसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियों को समाजवादी पार्टी के लोग चेक करते दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, मतगणना स्थल पर किसी भी तरीके की कोई भी वाहन इन सिपाहियों की नज़र से बचता नहीं दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के सिपाही हर गाड़ी को चेक कर रहे हैं और पूरी सतर्कता संतुष्टि के बाद ही गाड़ियों को अंदर जाने की इजाजत है। पूरी चाक चौबंद व्यवस्था के बाद ही गाड़ियों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। आप लोग यहाँ खड़े हुए हैं, अभी मैं स्टेट की गाड़ी चेक की है, क्या मामला है पूरा? देखिए, जिस तरीके से कल बनारस में प्रशासन ने जो एक रवैया अपनाया है और भी जगह आप देख रहे हैं ईवीएम लोगों के पास मिल रही है। समाजवादी पार्टी के साथी, गठबंधन के साथी हर दरवाजे पर मुस्तैद हैं। किसी भी अधिकारी की गाड़ी हो, चाहे मजिस्ट्रेट की हो या किसी की हो, बिना एंट्री किए और बिना चेक करे वो अंदर नहीं जा सकते। ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है और हम समाजवादी इसको बचा के रहेंगे।